रुक करते हैं विस्तार से गतिविधियों की ओर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रदेश के छात्रों के लिए नए सत्र से काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी, तो साथ ही प्रवेश टेस्ट भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बीसी उपकुलपति प्रोफेसर एसपी बंसल के अनुसार प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके, साथ ही प्लेसमेंट करवाने के लिए भी आगामी दिनों में काम किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने प्रदेश के छात्रों के लिए नए सत्र से सुविधा दी जाएगी और अब नए सत्र से काउंसलिंग ऑनलाइन की जाएगी, तो प्रवेश टेस्ट भी ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर के बीसी उपकुलपति प्रोफेसर एसपी वंसल के अनुसार प्रदेश में क्वालिटी एजुकेशन के लिए काम किया जा रहा है ताकि शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जा सके, साथ ही प्लेसमेंट करवाने के लिए भी आगामी दिनों में काम किया जाएगा। प्रोफेसर एसपी बंसल ने बताया कि पहले प्रदेश भर में तकनीकी विश्वविद्यालय में ऑफलाइन टेस्ट होते थे, लेकिन अब टेस्ट ऑनलाइन किए जाएंगे और एडमिशन फॉर्म भरने के बाद ऑनलाइन टेस्ट लिए जाएंगे, जिससे प्रदेश भर के हजारों छात्रों को सुविधा मिलेगी। साथ ही रिसर्च हब भी विश्वविद्यालय में खोला जाएगा, जिससे छात्र रिसर्च भी यहाँ पर कर सकेंगे। हमने रिसर्च हब खोलने का निर्णय वहाँ पर लिया है। हमने कम्प्लीट, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि आने वाले विद्यार्थी को बहुत जो है प्रॉब्लम वो फेस करते थे। यहाँ पर 30 दिन तक 40 दिन तक लगातार काउंसलिंग चलती थी। एडमिशन के लिए उनको 3-3, 4-4 दिन अपने पेरेंट्स के साथ बैठना पड़ता था। हमने निर्णय लिया है कि हमारा कंप्लीट इस पर काउंसलिंग जो है ऑनलाइन रहेगी, किसी को भी आने की जरूरत नहीं होगी। जितने भी टेस्ट हमारे होते थे पहले ऑफलाइन होते थे, और इस साल से ये निर्णय लिया गया है कि हमारे जितने भी टेस्ट होंगे, ये एंट्रेंस वगैरह होंगे, वो सारे के सारे ऑनलाइन होंगे। यानी कि इस सत्र से हमारा ध्यान जो है वो कंप्लीट ऑनलाइन सिस्टम में, ताकि उसकी एफिशिएंसी बढ़े, एफिकेसी बढ़े। इसी के तहत हमने ये निर्णय भी लिया है कि ईआरपी के तहत राइट इट फ्रॉम एडमिशन, जैसे कि बच्चे ने एडमिशन का फॉर्म भरा, उसी के साथ ही जो फीस वो है वो ऑनलाइन उस पर डिपॉजिट हो जाया करेगी। एक पोर्टल हमने अलग से बैंक के साथ गेटवे बना दिया है। तो इसी तरह से कई निर्णय है। हमने ईआरपी कंप्लीट राइट इट फ्रॉम एडमिशन टू प्लेसमेंट, प्लेसमेंट को किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, उसके तहत भी हमने एक प्लेसमेंट ऑफिसर की नियुक्ति की है। इस तरह से कई निर्णय जो हैं वो क्वालिटी एजुकेशन के लिए मैं समझता हूँ इस बार लिए गए हैं।